मध्य प्रदेश के भिंड से खबर आ रही है जहां युवक मंजीत को कार ड्राइविंग के दौरान रोड पर हार्ट अटैक आ गया। उस समय उसकी फैमिली भी साथ में थी, जो सड़क के किनारे खड़ी होकर रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। उसी समय क्यूआरएफ प्रभारी अपने साथियों के साथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये मंजर देखा तब गाड़ी रोककर युवक की सीपीआर के जरिए जान बचा ली। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने सारी घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दरअसल दीनदयाल नगर में रहने वाले मंजीत सिंह अपने परिवार के साथ महगांव से लौटकर वापस दीनदयाल नगर देवरात जा रहे थे, तभी अचानक कार ड्राइविंग करते समय देवरात मंजीत को हार्ट अटैक आ गया। वहीं क्यूआरएफ प्रभारी बाबूलाल पटेल ने अपनी टीम के साथ मिलकर सीपीआर के जरिए उनकी जान बचा ली। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट। रात्रि में मेरे जवान और मैं यहां से वीआईपी ड्यूटी के लिए सेवपुर के लिए रवाना हुआ, तो गोहद और मालनपुर के बीच में एक बुलेरो खड़ी थी, बुलेरो की लाइट जल रही थी। तो मेरे जवान बोले, सर यहां कोई घटना तो नहीं हो गई, एक लड़की बार बार रोड क्रॉस कर रही है, किसी को हाथ दे रही सहायता के लिए। मेरे जवान ने और ये मेरे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपने क्या नाम है रमेश साहब ने बोले, साहब गाड़ी रुकवा दीजिए, एक बार चेक तो कर लें कि ये घटना क्या है। तो गाड़ी हमारी 50-100 मीटर आगे निकल गई, फिर हम गाड़ी को रिवर्स किया और जाके देखा तो उसको अटैक आया हुआ था, अपनी उसमें सीट में बेल्ट से बंधा हुआ था, मतलब बेल्ट भी नहीं खोल पाया अटैक आने के कारण। फिर हमने उसकी बेल्ट सीट खोली, नीचे उतारा और उसको अपनी जो सीपीआर की कार्रवाई की, जिसके कारण उसकी जान आ गई। और उसने हमको बोला कि हमके बच्चे से मिला दो, तो हमने वहीं उनकी फैमिली और बच्चे रखे खड़े थे तो उनको उठाया, उनसे मिलाया। और उसी जवान को फिर हमने उसके घर तक अपनी गाड़ी से अपना ड्राइवर और एक गनमैन भेज करके उसके घर तक अपनी बस भी लेके गए, मेरे पूरे जवान गए थे उसके घर में।